दोस्तों, आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि एसआरके ने क्या बयान दिया था और उसको इतना बड़ा मुद्दा कैसे बनाया गया। राजदीप साहब एसआरके के बर्थडे पर उनका इंटरव्यू लेने आए और उनको मेरे ख्याल में उनकी फिल्मों के बारे में बात करनी चाहिए थी, बट वो अपने दिमाग में पहले से एक प्लान लेकर आए थे कि किस तरह से आज कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है। और राजदीप ने एसआरके से पूछा, जानबूझकर पूछा कि क्या देश में इनटॉलरेंस बढ़ रही है और एसआरके ने क्या कहा था, जरा आप सुन लीजिए। आई थिंक देश में नहीं, पहले तो आई थिंक हर जगह पे सोशल मीडिया दुनिया में आई थिंक हम थोड़े इंपेशेंट हो गए। मेरी और आपकी उम्र ऐसी है कि हमको लगता है पेशेंस थोड़ा मेलो है, जैसा आप कहते हो, लेकिन जो जवान पीढ़ी है वक्त नहीं है उनके पास, तो आई थिंक ओवर रिएक्ट फास्ट कर जाते हैं। और अब आवाज सुनने के माध्यम बहुत सारे हैं। पहले एक टीवी पे इंटरव्यू आपके साथ करने में हमको वहां दिल्ली आना पड़ता था, आराम से बैठते थे पूरा 6 दिन का, अब आराम से हो जाता है। आज फोन करूं, राजदीप भाई कुछ कर लें यार प्लीज, मेरे लिए कर दो, आपको अच्छा बेटा तुम यहाँ आ जाओ, हो जाएगा सर। बट आई थिंक अब माध्यम बहुत हो गए तो आवाज ज्यादा हो गई है। हैविंग सेड दैट, मुझे कहीं ना कहीं पर यह भी लगता है कि आवाज ज्यादा होने के बावजूद सिर्फ आवाज ही नहीं है, कहीं पर नेगेटिव आवाज भी ज्यादा हो गई है। थोड़ी सी इनटॉलरेंस जरूर है और मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ इस देश का वासी होने के लायक जेन्युइनली कि यार प्लीज 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 ये जो अनसेक्युलर आवाजें हैं वही हमारे देश को, हम हमेशा बोलते रहते देश प्रगति पे है, आगे बढ़ गया, नया भारत है, भारतवर्ष आगे निकल जाएगा, हम चाइना को पीछे कर देंगे, उसको पीछे कर देंगे, वी आर द सुपर पावर, वी विल नेवर बी अ पावर इफ यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव कि सारे रिलीजन सारे जो तबके हैं सबके सब बराबर हैं। एसआरके ने कहा कि भाई मैं और आप उस एज पर हैं जहां थोड़ा सा रिएक्ट सोच समझ कर करते हैं, बट जो नई पीढ़ी है, जो नौजवान है, वो सोच समझते नहीं हैं और बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और कुछ निगेटिव आवाज भी बहुत बढ़ गई है। यानी अगर आप एक ट्वीट करते हैं तो हजारों लोग उस ट्वीट पर गालियां देते हैं, अगर आप फेसबुक पर कुछ अपडेट करते हैं तो हजारों लोग उस पर गालियां देते हैं, हालांकि उन हजारों लोगों का उस बात से कोई लेना देना नहीं होता और ना ही उनको अपनी बात कहने से कोई रोक रहा है। तो यह था एसआरके का मतलब। राजदीप साहब जिस मिशन के तहत वहां आए थे वो उनका काम हो गया था, जो कंट्रोवर्सी उनको चाहिए थी वो उनको मिल गई थी। ये बयान आते ही पूरा मीडिया उछल गया कि वाह, एसआरके ने इनटॉलरेंस पे बयान दे दिया। अब जितने टीवी चैनल्स पे एडिटर्स हैं उन्होंने अपने रिपोर्टर से क्या कहा, अरे हेलो फौरन ढूंढो कि साध्वी प्राची कहां है और योगी आदित्यनाथ कहां है, उनसे फौरन पूछो कि एसआरके ने यह कहा है कि देश में इनटॉलरेंस बढ़ रहा है। अब रिपोर्टर ने क्या कहा, सर मैं अभी अभी राजनाथ सिंह साहब के घर के सामने हूं, उनसे रिएक्शन ले लूं। एडिटर, अबे साले इडियट, तुझे पता है अगर तू राजनाथ सिंह जी से पूछेगा तो बात को दबाने की कोशिश करेंगे, समझ में आता है तेरी कुछ या नहीं आता बे? अच्छा सर तो मैं ऐसा करता हूं कि अरुण जेटली साहब से पूछ लेता हूं। अबे बेवकूफ इडियट, वो भी बात को दबाने की कोशिश करेंगे। अरे मेरे भाई, हमें ऐसे लोगों से नहीं पूछना जो बात को दबाने की कोशिश करें, हमें ऐसे लोग चाहिए जो बात को उछाले, जो बात का बतंगड़ बनाए। तुझे पता है ना बेटा कि अब इस मुद्दे पे उछल उछल के कौन बोलेगा, इस देश में पब्लिसिटी किसको चाहिए बेटा, वो है साध्वी प्राची एंड योगी आदित्यनाथ, उनको ढूंढ बेटा, उनका रिएक्शन चाहिए हमें। बेटा हम यहाँ टीवी चैनल चला रहे हैं, हम यहाँ देश का कल्याण करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, हम बात को उछालने के लिए, बात का बतंगड़ बनाने के लिए बैठे हुए बेटा, बेटा बात को दबाने के लिए नहीं बैठे हुए, बात समझ में आ रही है, जा जल्दी ढूंढ। दूसरी तरफ किसी ने कैलाश विजयवर्गीय साहब को बताया कि देखिए शाहरुख खान साहब ने कुछ इनटॉलरेंस के बारे में कह दिया है,
इन्होंने कहा कि भाई साहब मेरा नाम कोई नहीं जानता देश में, यही मौका है कि मैं शाहरुख के खिलाफ कुछ कहूं तो लोग मुझे जानेंगे। इन्होंने फौरन ट्वीट किया कि शाहरुख खान साहब को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अच्छा, इनके फॉलोवर मुश्किल से कितने, 5-6 हजार। बट मीडिया को फौरन पता चल गया कि ये कोई बीजेपी के लीडर हैं और इन्होंने ट्वीट किया है। मीडिया ने वो फौरन ट्वीट उठा लिया कि देखिए विजय वर्गिया साहब ने शाहरुख खान को कहा कि आप फौरन इंडिया छोड़कर पाकिस्तान चले जाइए। अगर मीडिया चाहता तो उस ट्वीट को इग्नोर कर सकता था, और जब मेरे जैसे आदमी ने विजय वर्गिया साहब का नाम आज तक नहीं सुना था तो उनको यह पब्लिसिटी देने की जरूरत नहीं थी। बट मीडिया ने उस बात को उछाला और विजय वर्गिया को खूब पब्लिसिटी दी, और मैंने भी देखा तो मैं उनका फेस देखकर फौरन समझ गया कि इस बेचारे ने अपनी जिंदगी तमाम कर दी फेमस होने के लिए, आज तक हो नहीं पाया, आज इसको मौका मिला है फेमस होने का। अब मीडिया को मिल गए योगी आदित्यनाथ साहब। उन्होंने शाहरुख खान का ना बयान देखा था ना उनको पता था। मीडिया ने कहा कि सर शाहरुख खान ने बयान दे दिया कि देश में इंटॉलरेंस बढ़ रही है। सर सर कुछ ऐसा कह दो सर आज के मतलब हेडलाइन बन जाए सर। योगी साहब ने कहा आपको तो पता ही है यार, मेरा रिकॉर्ड देख लो आप, क्या जबरदस्त बाइट्स देता हूं आप लोगों को, और देखो आज ऐसी बाइट्स दूंगा कि कल तक आप लोग हेडलाइन चलाते रहोगे। और योगी आदित्यनाथ ने फौरन कहा कि एसआर के बिल्कुल हाफिज सईद की तरह है, यानी मीडिया को फुल मसाला मिल गया। अब कुछ मीडिया वालों को पॉलिटिक्स की राखी सावंत साध्वी प्राची भी मिल गई। मीडिया वालों ने कहा कि मैडम शाहरुख खान ने बयान दे दिया कि देश में इंटॉलरेंस बढ़ रही है। साध्वी ने ना बयान देखा था ना साध्वी को बयान के बारे में कुछ पता था। उन्होंने कहा अच्छा तो आप देखो मैं आपको कैसी बाइट देती हूं, बट कल तक ये हेडलाइन में चलना चाहिए। मीडिया वालों ने कहा मैडम आप कुछ खतरनाक सा बोल दो बस आज। अब साध्वी प्राची ने दिल खोल के एसआरके को बुरा भला कहना शुरू किया और बस मीडिया वालों को मसाला मिल गया। इसके फौरन बाद हर चैनल पे, ये देखिए हमारे चैनल पे सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, ये देखिए हमारे चैनल पे सबसे पहले साध्वी प्राची ने क्या कहा। तो यानी हर एक चैनल यही कह रहा था कि सबसे पहले हमारे चैनल पे ही योगी आदित्यनाथ और साध्वी प्राची ने यह कहा। तो भाई साहब जब आपके ही चैनल पे पहली बार कहा, सभी आप नंबर वन हो, तो साला नंबर टू कौन है, नंबर थ्री कौन है, वो तो बता दो भाई जी हमें। अब मीडिया ने फौरन डिबेट्स चालू कर दी और जितने थके हुए सेलिब्रिटी हैं, जिनको आज की तारीख में कोई काम धंधा नहीं है, जो घर बैठे हुए हैं, जिनको अगर टीवी पे बैठने का मौका मिल जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि यार आज मेरा चेहरा लोगों ने टीवी पे देखा है, उनको टीवी चैनल्स पे बैठा लिया। अब उनसे पूछा जाने लगा कि देखिए भाई एसआरके ने यह कहा है कि देश में इंटॉलरेंस बढ़ रही है। अरे भाई एसआरके ने कुछ नहीं कहा, अब जितने ये थके हुए सेलिब्रिटी हैं इन्होंने अपना अपना रिएक्शन देना शुरू किया। नहीं 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 नहीं, एसआरके को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी, नहीं 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 नहीं, एसआरके को यह बयान वापस लेना चाहिए। कुछ थके हुए सेलिब्रिटी दूसरी तरफ भी थे, नहीं 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 नहीं, ये जो बीजेपी वाले हैं इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। यानी सब अपनी अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं और टीवी चैनल अपनी टीआरपी बेच रहे हैं, टीवी चैनल अपना बिजनेस कर रहे हैं। सो दोस्तों इस पूरे गोरख धंधे में और बात का बतंगड़ में पागल कौन बना, भोली भाली जनता। बस टेक केयर।